अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सचिन चोरी करता है, किसके लिए करता है चोरी? इतनी सारी चोरी करता है ये? कर्जा खत्म करने। कितनी चोरी करी तूने देवास में अभी तक? दो तीन। अकेला है तेरे साथ में और भी कोई है? अकेले। कितने का कर्जा है तुम्हारे पर? कितना कर्जा? 1.5-2 लाख का था। तो चोरी से कर्जा उतारेगा तू? क्या फिर काम करके भी तो उतार सकते? लिया था कर्जा, पत्तों में ले लिया था। पत्ते मतलब ये जुआड़ी है तू? नशा भी करता है? नहीं। और कुछ ये भी शौक है क्या तेरे को? है और भी कुछ शौक है तेरे? अभी तक कितनी चोरी, कितने लाख की चोरी करी होगी? कितनी कितने लाख की होगी? माल कहाँ गया इसका? क्या मामला है? आपने प्रेस वार्ता रखी है किस? ये लगभग 4 महीने से लगातार करानी बाग को ही एक टारगेट बनाकर लगातार वहाँ चोरियाँ हो रही थी। शहर में हमारे कोतवाली थे क्षेत्र में लगातार करानी बाग और उससे लगी हुई आसपास की कॉलोनी में लगातार चोरी हो रही थी 4 महीने से, जिस पर हमने वहाँ पर फुटेज देखे गए तो सभी चोरियों में लगभग एक ही तरीके वारदात थी तथा एक ही तरीका हुलिया टाइप का व्यक्ति जो मास्क पहना हुआ आता था और चोरी करके जाता था, जिसको फॉलो करने पर ज्ञात हुआ कि वह इंदौर रोड पे जाके किसी बस में बैठ रहा है, और जिसका हमने बस को फॉलो करते करते इंदौर तक पहुँचे, जहाँ से हमको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपी का घर ज्ञात हुआ। जो आरोपी का पहचान हमको सचिन चौहान पिता दीपक चौहान के रूप में हुई, जिसके ऊपर पूर्व में भी इंदौर खंडवा और धार में चोरी के 26 प्रकरण है, जिससे लगभग 10 लाख का मशरूका और 2 से 3 चोरियाँ का खुलासा हुआ है। सर देवास के बाद देवास में कितनी चोरी करी इसने? इसने लगभग देवास में 4 चोरियाँ इसने जो कबूली है और अभी वर्तमान में 4 चोरियाँ कबूली और भी इससे पूछताछ की। सर चोर कहाँ से ट्रेस हुआ है? ये चोर सीसीटीवी कैमरे से इसको फॉलो करते करते गए हैं। हमारी टीम जो सीसीटीवी कैमरे की एक पृथक से टीम बनाई गई है, जिसमें राहुल पाटीदार, ईश्वर मंडलोई, प्रधानक सुनील जेतलिया, नवीन जेतलिया और अन्य लोग थे, इनमें लगातार सीसीटीवी कैमरे को देखते गए। लगभग इनके द्वारा 1000 सीसीटीवी कैमरे देखते हुए आरोपी का जो घर था चंदन नगर से इसको आइडेंटिफाई किया। सर इंस्पेक्टर शुभम परियार भी शामिल थे टीम में। ठीक है सर, ये बताएं किस तरह का इनाम दिया जाएगा? सर इसमें सीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से नगद इनाम की घोषणा की गई। सर एक अहम सवाल था, सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ के खंगाले गए और प्राथमिक से इसको कैसे पहचान में आया? हमने जब पहली चोरी हुई थी 3/8/2023 को, तभी हमने सीसीटीवी कैमरे, तब से हमने स्टार्ट किए थे कैमरे, क्योंकि उस घटना में हमको सीसीटीवी कैमरे रामाश्रय होटल के पास तक दिखे थे, उसके आसपास कैमरे नहीं थे तो हम ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। परंतु आरोपी लगातार चोरियां कर रहा था, जो दिनांक 3/10/2023 को जो उसके द्वारा लास्ट चोरी की गई थी, उसके सीसीटीवी कैमरे में हमने पर्टिकुलर टीम को केवल सीसीटीवी कैमरे के लिए लगाई थी, जिसमें उसने लगातार सीसीटीवी कैमरे से वो कलानी बाग पर निकला, वहाँ से वो बस में बैठा, बस से वो चंदन नगर तक गया।
जो टीम ने बहुत अच्छा काम किया। सर बस के सीसीटीवी कैमरे भी चेक करे? हाँ, बस हमारे के लिए एक काम करने में एक महत्वपूर्ण हमारे को ये क्लू मिला कि जिस बस में वो बैठा था उस बस में भी सीसीटीवी कैमरा लगा था, उस सीसीटीवी कैमरे से उसकी पहचान हो गई थी। सर तरीका क्या था सर वारदात का? ये शाम को इंदौर से बस में बैठ के आता था, शहर में किसी भी शहर में जाता था जहाँ उसको चोरी करना रहती थी वहाँ पर ये रेकी करता था शाम को, और देखता था जिस घर में ताला बंद है, फिर रात में 2 से 4 के बीच में वहाँ चोरी करके 4 बजे सुबह निकल जाता था, और ये अकेला आता था, अकेले चोरी करता था, इसमें अन्य किसी को साथी नहीं बनाता था।